वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसीए एजुकेशन हब 500 क्लासेस वी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस द यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट एल्कोहल ऑलरेडी यू स्टडी इन यूनिट नंबर सेकंड पार्ट इज फिनोल. In previous video, we see the phenol general introduction and also its nomenclature. Now, in this video, we study method of preparation of phenol. Phenol का formation कैसे होता है? Phenol कैसे बनाया जाता है? जो lab में आप फिनोल को यूज करते हैं वो फिनोल इंडस्ट्री में कैसे बनता है, लैब में कैसे बनता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है. डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिनकी यूज करते हुए आप फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी लैब में फिनोल कौन से मेथड से बनाया जाता है. व्हाट विल बी द मेथड विच यूज टू प्रिपेयर फिनोल इन लेबोरेटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मैनी मेथड्स वी स्टडी मोस्टली 4-5 मेथड्स इन लेबोरेटरी मेथड्स दैट इज बेस्ट मेथड फॉर लैब. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस दैट इज बाई बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट. दैट मीन्स बाई डाइएजोनियम जो साल्ट है उसका फॉर्मूला अगर अपन देखें बेंजीन डाइजोनियम साल्ट दैट इज C6H5N2+X दैट इज डाइएजोनियम साल्ट. ओके, एक्स मे बी क्लोरीन ब्रोमीन ईटीसी. मोस्टली यूज क्लोरीन ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी ओनली. वी वांट टू प्रोडक्ट दैट इज फिनोल. प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको? फिनोल का फॉर्मेशन करना है. रिएक्टेंट आपको क्या दे रखे हैं, रेजेंट आपको क्या दे रखे हैं, इट विल बी इन दिस रिएक्शन. हाउ विल बी यू फॉर्म फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट. दैट मीन्स बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से आप फिनोल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यू कैन सी वेरी इजीली. लुक दैट इज बेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. ये है आपके पास में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. फॉर्मेशन क्या करना है आपको? आपको फॉर्मेशन करना है फिनोल का. डोंट टेक टेंशन, इजीली यू कैन इट. ओ एच कम्स हियर, रिमूव N2Cl, एडिशन ऑफ ओ एच. सो इजीली वी लर्न यू ऑर्गेनिक, नॉट rectification part. In this part only remember what will be reagent, what is the product, you see always. Okay, question is given, how will be you get phenol from diazonium salt. First of all आपको उसका structure आना चाहिए. Diazonium salt का आपको structure अगर नहीं आता है, you cannot prepare ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एनी कंडीशन. अंडरस्टैंड, गिवन कंडीशन है आपको एरो के ऊपर, गिवन कंडीशंस मिलेंगी. कंडीशन आपको दे रखी है आपको बॉयल करना है, इसको बॉयल करते हुए मीडियम आपको दे रखा है, एक्वस मीडियम है, H2 है. एक्वस मीडियम का मतलब है एक्वस दे रखा है, तो एक्वस मीडियम का मतलब है H2O, यानी वाटर के अंदर रिएक्शन हो रही है. रिएक्शन किसी न किसी मीडियम के अंदर होती है. यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? एक्वस मीडियम दे रखा है, यानी आपको दे रखा है H2O.
H2 आपको दिया रखा है, एक्वस का मतलब होता है H2O से एक्वस भी लिखा हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर जाना कि यहाँ पर क्या है H2O के अंदर रिएक्शन हो रही है। थर्मल का मतलब है गर्म करना है, आपको बॉयल करना है, टेम्परेचर देना है, इसको हीट करना है। ये साइन किसको नोट कर रहा है, हीट को नोट कर रहा है। दैट मीन्स आप इसको बॉयल करेंगे, जब भी बॉयल होता है तो कुछ ना कुछ आउट बाहर आता है, मोस्टली वाटर मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, मोस्टली एनी लाइट गैसेज हो सकती हैं, वो रिलीज यहाँ पर होती हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में रिएक्शन चलता कैसे है। ये तो आपका प्रोडक्ट हो गया, मैंने केमिकल रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट की है, N2 बन गया और साथ में यहाँ से मैं कह रहा हूँ HCl बाहर निकल गया। ओके, दैट इज फिनॉल मेन प्रोडक्ट आपका बन चुका है फिनॉल, और दैट इज सब प्रोडक्ट है। ये क्या है आपका सब प्रोडक्ट है। सब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कौन है, नाइट्रोजन गैस बन रही है। अब बनी कैसे उसको आप देखिए, वन स्टेप में अगर आपको बताऊं तो इस टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इस वाले प्रोसेस के अंदर है, N2Cl जो होता है ये यहाँ से रिमूव होता है। किसकी बेसिस पे, एक्वस मीडियम आपको दे रखा है, एक्वस का मतलब होता है HOH, इसका यहाँ से क्लीवेज होगा, फॉर्मेशन किसका होगा भाई H का, और यहाँ से किसका होगा OH का। इस वाले पार्ट से यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है इस वाले कंडीशन में यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इस टाइप से एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है भाई, Cl यहाँ से बाहर निकलता है Cl- के रूप में। जैसे Cl- बाहर आता है उसको H+ यहाँ से मिल जाता है वाटर में से, एच मिल गया सीएल, यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, HCl का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वाले में आप देखिए N2 नाइट्रोजन है, जैसे यहाँ से प्रतिस्थापित होती है बाहर निकल जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर पता है, N डबल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। दैट मीन्स N ट्रिपल बॉन्ड कंडीशन में ये यहाँ से बाहर निकलती है, नाइट्रोजन भी आपको यहाँ से मिल चुका है, HCl भी आपको यहाँ से मिल चुका है। दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट क्या, OH माइनस इस वाले में से। जैसे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से रिमूव होता है, इस वाले पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है बेंजीन रिंग के ऊपर, एरिनियम आयन बन जाता है। क्या बनता है, एरिनियम आयन बन जाता है, जिसके ऊपर अटैक कौन करेगा भाई, हियर अटैक विल बी OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप विल बी अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड इट विल बी अटैच विद इट, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। तो किसका फॉर्मेशन हो गया इसमें, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। किसके बेसिस पे हुआ, मोस्टली ये किसके बेसिस पे हुआ है, फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम। तो बाय डाइजोनियम साल्ट हाउ यू विल बी फॉर्म फिनोल, सिंपल मेथड, वी टेक बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इन एक्वस मीडियम, इट विल बी बॉयल और हीटेड, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एज ए मेजर प्रोडक्ट, दैट इज डाइजोनियम साल्ट रिएक्शन। ओके, आई थिंक यू कैन इजिली इट अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, इन नेक्स्ट वी सी द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोएरिंस, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोएरिंस, यू कैन सी इट इजिली, हेलोएरिंस फिनोल का फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड आपका क्लियर है, तो यू कैन सी नेक्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड इज क्लियर। नाउ सेकेंड मेथड इज ऑल्सो यूज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, किससे फॉर्मेशन करना है आपको, क्लोरोबेंजीन से किसका फॉर्मेशन करना है, फिनोल का फॉर्मेशन करना है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, जो गिवन कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करना है, और क्या क्या प्रोसेस रहेंगे मैं आपको रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ, इस वाले प्रोसेस में क्या फॉर्मेशन रहेगा। क्लोरोबेंजीन आपको गिवन है, क्लोरोबेंजीन से आप कैसे बनाएंगे, एजोबेंजीन आपको दे रखी है उससे कैसे बनाएंगे। देखिए ये रहा केमिकल स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोबेंजीन का, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। ओके, दैट इज
क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको? प्रोडक्ट आपको चाहिए भाई फिनोल। क्या चाहिए आपको? फिनोल। फिनोल मेन प्रोडक्ट आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन से। इजीली यू कैन से रिमूव ऑफ सीएल एडिशन ऑफ ओएच। यू कैन माइंड, यू कैन सी हाउ विल बिकम्स सीएल गोज ओएच कम विद सब्स्टिट्यूएंट वी यूज मोस्टली बेस इज यूज इन दीज टाइप रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। Always remind, if you learn to chemistry, you know reagents use, their functions is necessary. Cl, here, there will be base. Base will be NaOH, sodium hydroxide base. Second condition is also given, temperature and pressure. Temperature और pressure है, वो भी आपको given है. टेम्परेचर आपको दे रखा है 323 केल्विन एंड आपको प्रेशर भी दे रखा है 320 ATM के ऊपर। आपको क्या करना है? इसको गर्म करना है। और तीसरा इसके अंदर है जो स्टेप यूज होगा वो कहलाएगा, इसमें डाइल्यूट HCl भी यूज करेंगे। डाइल्यूट HCl भी आपको दिया गया है। ये तीन इसमें क्या है? रेजेंट आपको दे रखे हैं। इन रेजेंटों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजेंट, आपको किसका फॉर्मेशन करना है? फिनोल का फॉर्मेशन करना है। तो क्या करना है? क्लोरोबेंजीन टेक रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन 623 केल्विन एंड 320 एटीएम प्रेशर एंड आफ्टर दिस वी फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड आयन एज ए इंटरमीडिएट एंड सोडियम आयन आयन फिनोक्साइड इज एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड फाइनली वी गेट फिनोल। ओके, दैट इज प्रोसेस। यू कैन सी रिएक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोबेंजीन, that is chlorobenzene, that react with NaOH. कौन react करेगा? NaOH से react करेगा। इस वाले part में देखें, ये वाला part यहाँ से break हो जाता है। जैसे ही वाला part break होता है, इस वाले part में आपको U मिल जाएगा। ये वाला part break होने के साथ इस पे तो आएगा negative charge, और इस वाले Cl के निकलने से H यहाँ से HCl बाहर निकल रहा है। ये वाला पार्ट इस वाले रिंग के ऊपर जुड़ गया O माइनस, उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? Na प्लस। इसका मतलब है कि Na मेटल थी, OH माइनस था ऑलरेडी, क्योंकि NaOH को अगर अपन ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? NaOH, ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट। और ये वाला कैसा होता है? नेगेटिव पार्ट। दैट मीन्स अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये H तो निकल चुका, इस पर नेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुका है। सो दैट विल बी O माइनस Na प्लस, दैट इज कॉल्स सोडियम सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन अपने पास में हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी यूज डाइल्यूट HCl। किसको यूज करेंगे? डाइल्यूट HCl को यूज करेंगे। दैट इज कॉल्स एसिडिफिकेशन। क्या कहलाएगा? एसिडिफिकेशन कहलाएगा। एसिड की प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन का मतलब है HCl वाला जो पार्ट था उसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से H प्लस मिलेगा और एंड Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। H प्लस जो है वो किससे रिएक्शन करेगा? H प्लस है किसके पास जाएगा भाई? माइनस के पास। NaCl प्लस है, यहाँ से क्या निकलेगा? Cl। दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट है, O माइनस था, इस पे जुड़ गया H प्लस, साथ में बाहर क्या निकल गया? NaCl। ओके, दैट इज योर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्स फिनोल। तो वेरी इजी, क्लोरोबेंजीन से आपने क्या बना लिया? फिनोल का फॉर्मेशन कर दिया। तो फिनोल का फॉर्मेशन कैसे किया आपने? क्लोरोबेंजीन जो थी उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपने क्या किया?
on the basis of NaOH on high temperature and pressure you boil it, then comes a sodium phenoxide ion. किसका formation हुआ? Sodium phenoxide ion का formation यहाँ पर हो चुका है. और sodium ion का फॉर्मेशन होने के बाद इसका अपन ने क्या किया, डाइल्यूट HCl को यूज किया. और डाइल्यूट HCl जो है इसमें H और Cl पार्ट जो थे उसमें उसका एसिडिफिकेशन करने के बाद H वाला पार्ट O से जुड़ गया, NaCl- और Cl- के साथ जुड़ करके NaCl लवण का निर्माण यहाँ पर हो चुका है. मेन प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो गया. तो ये आपका प्रोडक्ट है, फिनोल आपको यहाँ पर मिल चुका है. ओके, तो इन this part you see from diazonium salt and chlorobenzene gives as a major product that is phenol, it comes in these type reactions. So you can easily see the process of this. In next we see the other methods formation of phenol in lab. Okay, I think that will be clear, and there will be very easy methods to formation of phenol. So you can easily one by one draw the parts of a formation of phenol according to given reactants, that is called reactants. एरो के ऊपर जो दिए आते हैं उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं. जो अपन यहाँ पर यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, रेजेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, रेजेंट कहते हैं. डेट मीन्स ये वाला पार्ट है रेजेंट और रिएक्टेंट, अपने को पता होना चाहिए. सॉरी, ये वाला जो पार्ट है आपके पास में ये तो कहलाते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक. ये वाला पार्ट है रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो तो रिएक्टेंट कहलाते हैं. जो अपन इस एरो के ऊपर देखते हैं वो कहलाते हैं रेजेंट. माइनर डिफरेंस है यहाँ पर रिएक्टेंट एंड रेजेंट, और डेट विल बी कॉल्स प्रोडक्ट. टू टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में. किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हाउ विल बी फॉर्म ए फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. एक कंडीशन तो आपको इस टाइप से दी रहेगी, दूसरा एक आपको रिएक्शन इस टाइप से लिख करके देगा, राइट डाउन दिस टाइप रिएक्शन, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ये सारा प्रोसेस अपने को देखना होता है. दोनों टाइप से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको देखना है, क्योंकि फिनोल वाला जो पार्ट है अपना 4 मार्क्स का पार्ट है, और इस वाले में जो क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट द रिएक्शन वो वाले पार्ट अपने को अधिक मिल जाते हैं. ओके, तो यू कैन इजीली प्रिपेयर द फिनोल इन लेबोरेटरी मेथड. नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अदर मेथड्स फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. थैंक यू.